संवाद, मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। बीपीएस स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि मनुष्य के अंदर सात्विक संतोष और आनंद उत्पन्न करना ही परम मानव सेवा है। संत जीवन को बदल देते हैं। संत जैसे सूर्य से प्रेरणा लेकर एक दीप हम भी बने। संतोषम जनयेत प्राज्ञः तदेवेश्वर पूजनम। लोगों के अंदर एक सात्विक संतोष को उत्पन्न करना, वही ईश्वर पूजा है। संतों के काम क्या है? संतों के जीवन का उद्देश्य क्या है? संतों के जीवन के लक्ष्य क्या है? वो यही है, जनता के अंदर एक सात्विक संतोष को उत्पन्न करना। वो सात्विक संतोष अमीरी से आती है ऐसे नहीं है, गरीबी रहने से नहीं आती ऐसे नहीं है, वो यहां रहने से वहां रहने से ऐसे नहीं है। वह शांति, वह आनंद, वह संतोष हृदय के अंतराल में, उस गह्वर में वो छुपा हुआ है, उसको संत जागृत करते हैं, निखारते हैं, उजागर करते हैं। दिल्ली में हिंदुत्व एक विमर्श पुस्तक का विमोचन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आंबेडकर ने कहा कि हिंदुत्व का मूल तत्व एकत्व की अनुभूति है। इसी एकत्व भाव के कारण हम एक रहे और आगे बढ़ते रहे। देश के सामान्य जनों तक हिंदुत्व की समझ, उसके भाव को पहुँचाना राष्ट्रीय कार्य है और हम सभी को मिलकर यह कार्य करना होगा। भारत की हजारों वर्ष तक शांतिपूर्ण तरीके से और समृद्धि की मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग साथ में जोड़कर चलने का जो हजारों वर्ष का हमारा यात्रा है, हम लोगों की जो लंबे समय तक चली, अबाधित रूप से चली, तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था ये कि शायद शब्दों का भंडार कम ज्यादा होगा लेकिन ज्ञान की जो समझ थी उसका स्तर समान रूप से हमारे समाज में प्रसारित था। और उसको अगर आज के शब्दों में हम अगर वर्णन करें तो वो हिंदुत्व का ही भाव था, जिससे हम एकात्मता समझते थे, परस्पर अपने रिश्तों को समझते थे, अपने एकत्व को समझते थे, अपने संस्कृति को समझते थे, अपने जीवन व्यवहार को भी समझते थे। ये लगातार एक साल नहीं, दो वर्ष नहीं, पीढ़ियों तक, हजारों वर्ष तक अबाधित रूप से भारत में चलता रहा। और स्वाभाविक रूप से काल के प्रवाह में वही हमारा परिचय बना। जितने भी मनुष्य जाति के सामने, हमारे देश के सामने, समाज के सामने जो विषय है उसमें हिंदुत्व के उस भाव को लागू करना, उसको समझना और उसके आधार पर नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना, ये हमारे लिए एक करणीय कार्य है आगे। अलीगढ़ में 11वीं गौ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सोमवार से कलश यात्रा से धार्मिक आयोजन की शुरुआत की गई। गौ माता के जयकारों के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसके बाद कन्हैया के भजनों को गाते हुए यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। अब हर दिन गौशाला में गौ भागवत कथा का आयोजन होगा। शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए गौशाला में आकर यह यात्रा विसर्जित हुई। आपको बता दें कि सनातन धर्म में गाय को माता माना गया है और गौ माता हर मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसीलिए प्रतिवर्ष गौ भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन 20 मिनट ध्यान करने से तनाव दूर होगा। आईआईटी के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञों ने परीक्षण कर इसे प्रमाणित किया है। अपने शोध में जाप करने वाले 10 लोगों के साथ ही ऐसे 10 आम जन को चुना जो भजन नहीं करते हैं। शोध में शामिल सभी लोगों को 300 सेकंड के लिए ध्यान करने के लिए कहा गया। इस दौरान इलेक्ट्रिक विभाग की मदद से सभी के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाकर ईईजी किया गया। पूर्व से जाप कर रहे लोग ज्यादा एकाग्र दिखे, जबकि हाल ही में जाप करने वालों के मस्तिष्क में हलचल अपेक्षाकृत कम रही। उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि दिमाग शांत और तनाव से मुक्त लग रहा है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह अरुण कुमार ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें अधिवेशन के दूसरे दिन अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों को किया संबोधित। 25 दिसंबर को कच्छ के सतपार के पास गोवर्धन पर्वत के महंत त्रिकम दास जी और संत वृंद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का पुष्पमाला और पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। लड़ाकू विमानों के डिस्क ब्रेक की मरम्मत करेगा प्रयागराज। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण का मामला, महिला का दावा, ईसाई मिशनरी के लोगों ने दिया लालच। संसद में गूंजी बुंदेलखंड की बेटी की आवाज, अटल जयंती पर हुई सम्मानित। 25 दिसंबर को 3 मिनट के भाषण में अटल जी के जीवन पर डाला था प्रकाश। माघ मेले में वाराणसी परिक्षेत्र से किया जाएगा 300 बसों का संचालन। 12 जनवरी को संत कबीर नगर में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष में होगा तरुणोदय कार्यक्रम का आयोजन। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।